नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज काशीपुर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने काशीपुर के कुंडा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहाँ पर जसपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। दरअसल काशीपुर पहुंचे राजेंद्र पाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड के 95% लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूलों के खर्चा नहीं उठा सकते। वहीं सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता हाल है, जिससे वो लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकारों ने सरकारी स्कूल को मजदूरी निर्माण की फैक्ट्री बना दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक लंबा आंदोलन चला है, जिसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन प्रदेश की सरकारों ने लोगों के सपनों को पूरा नहीं किया। साथ ही बीमार लोगों को सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं शिक्षा के मामले में भी प्रदेश पिछड़ गया है। साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जो सरकार उत्तराखंड के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ ना दे पाए, उसे सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही पिछले 20 सालों में कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। ऐसे में जनता दिल्ली और उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्रों का अध्ययन करे और वो खुद देखे कि कौन सी पार्टी ने चुनावी घोषणा के वादों को पूरा किया है। उद्देश्य एक ही है कि उत्तराखंड बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला, जिसमें महिलाओं का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा और इतने संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो संघर्ष जिस वजह से किया गया, लोगों को लगता था कि उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी, तो हमेशा या तो कांग्रेस की बनी या भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं किए। आज उत्तराखंड के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उसको रेफ़र करके देहरादून भेजा जाता है और देहरादून से रेफ़र करके दिल्ली भेजा जाता है, क्योंकि वो जो पिछले 20 सालों में बारी बारी से सरकारें बनाते रहे, कभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे नहीं पूरे किए। मैं तो उत्तराखंड के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप बीजेपी का घोषणा पत्र निकाल लो पिछले 20 सालों का, और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र निकाल लो, और साथ में आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली का घोषणा पत्र निकाल लो, और उसके बाद तीनों घोषणा पत्र में और तीनों की जो सरकारें हैं उनको कंपेरेटिव स्टडी करो और देखो कि कौन सी ऐसी सरकार रही है जिसने ईमानदारी से जनता के साथ किए हुए वायदों को पूरा किया है, और जिसने पूरा किया उसको चुन लेना। अगर आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ चुनाव से पहले किए हुए वायदों को पूरा किया हो तो आम आदमी पार्टी को चुन लेना। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल भी आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। वो देख लें दिल्ली के घोषणा पत्र को पढ़ लें, और जो घोषणाएँ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने की थी वो पूरी की है या नहीं की हैं, और पूरी करने अलग बात है, उसके बाद वो आज तक जारी हैं या बंद कर दी गई हैं। जो घोषणाएँ की थी वो ना केवल पूरी की हैं बल्कि वो आज तक जारी हैं। यहाँ तक कि कोरोना के दौरान सरकार की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी एक भी योजना को बंद नहीं किया गया, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग इस बात को बखूबी जानते और समझते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग दिल्ली के हर ज़िले के अंदर आपको मिलेंगे।